तो फ्रेंड्स, मैं आज आया हूं बजाज चेतक के शोरूम पे। अलीगढ़ में ये शोरूम बेसिकली पड़ता है बन्ना देवी जो एरिया है इसके जस्ट सामने, शिवा बजाज। तो मेरे सामने ये खड़े हैं बजाज चेतक के दो स्कूटर्स। ये खड़ा है बजाज चेतक अर्बन और ये खड़ा है आपका बजाज चेतक प्रीमियम, अभी लॉन्च हुआ है ये फिलहाल में। तो दोनों ही स्कूटर का मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ इस वीडियो में, प्राइसिंग में कितना डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो ये पड़ेगा आपका 1,26,000 करीब और ये पड़ेगा आपका 1,47,000 रुपये करीब। मतलब अप एंड डाउन तो होते रहते हैं स्टेट्स के हिसाब से, और मतलब अलीगढ़ के कुछ और हैं तो दूसरे स्टेट में कुछ और प्राइस होंगे। क्या चेंज है मैं बता, सबसे बड़ा जो ड्रास्टिक चेंज है इसके मीटर कंसोल में। कैमरा मैन से मैं गुजारिश करूंगा प्लीज़ मीटर कंसोल पे एक बार कैमरा दिखाएं। ये देखिए, यहाँ पर राउंड शेप में मीटर कंसोल आ जाता है, पूरी तरह से डिजिटल है, ये कलरफुल है। और यहाँ आ जाता है आपका रेक्टेंगल शेप में, ये भी डिजिटल है। अब इसमें दोस्तों 9,000 रुपए का टैग पैक आता है दोनों ही स्कूटर में। टैग पैक का क्या फीचर होता है देखिए, उसमें आपको रेंज बढ़ जाती है और आपका हिल होल्ड और रिवर्स मोड, काफ़ी ढेर सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं अगर आपने टैग पैक लिया। 5 साल तक के लिए वैलिड होता है। तो टैग पैक लेने के बाद इसमें बहुत ढेर सारे फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। और एक तो मीटर कंसोल में चेंज हो गया, अब दूसरा चेंज आता है इसके स्विचेस में। ये प्रीमियम चेतक है अभी जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो इसमें काफ़ी ढेर सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि प्राइस रेंज में भी आई थिंक मुझे काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उसी डिफरेंस को मद्देनजर रखते हुए इसमें भी काफ़ी चेंज हैं। इसके स्विचेस कुछ इस टाइप से हैं, स्विचेस का फटाफट बता देता हूँ। देखो यह आपका लाइट्स का है, ये इंडिकेटर का है, हाई बीम लो बीम का है, ये हॉर्न का है, ये ड्राइव मोड रिवर्स मोड, ये बूट स्पेस का है, और ये फंक्शन आपका इंडिकेटर है। और यहाँ से सिंगल दबा दूंगा तो आपका चालू हो जाएगा, और डबल दबा दूंगा, डबल टैप करूंगा तो बंद हो जाएगा आपको। और फ्रेंड्स, ये वाला जो आपको स्विचेस दिख रहा है, इसका वन टैप करोगे तो ये आगे वाला खुल जाएगा, और लॉन्ग प्रेस करोगे तो पीछे वाला बूट स्पेस खुल जाएगा। ये देखिए, सेम प्रोसेस आपका इस वाले का भी रहेगा। इस वाले प्रोसेस में दोनों ही स्कूटर में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। इसमें बटन्स में क्या क्या देखो, काफ़ी अच्छे इसमें फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। देखो ये जो बटन है आपके, ये वाला पूरा पोर्शन जो है इस मीटर कंसोल को ऑपरेट करने के लिए, इसका डिजिटल 5 इंच में इसकी TFT कलर डिस्प्ले देखने को मिलती है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये बटन दिए गए। इसमें भी वही पैटर्न है आपका, रिवर्स मोड, ड्राइविंग मोड और इंडिकेटर, बूट स्पेस को खोलने का बटन, हाई बीम लो बीम के बटन, ये इंडिकेटर्स के, ये बैक, ये इसके, इसको कंट्रोल करने का बटन आता है, और हॉर्न का, हॉर्न तो दोनों में ही सेम देखने को मिलते हैं। और सबसे और दूसरा चेंज मिल जाता है इसकी सीट, आप जिस तरह से देख रहे हैं ये डुअल टोन में सीट आ जाती है और ये सिंगल टोन में ही सीट देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा आप नोट करिए क्या चेंज देखने को मिलता है स्कूटर में, इसकी मतलब कलर के साथ जो एक अलग से थीम होती है, इसकी सिल्वर थीम रखी है कंपनी ने, और इसकी इसमें थीम चेंज कर दी है। आप देखिए डार्क ग्रे कलर की थीम रखी गई, यहाँ पर ग्रे है, ये ग्रे है, ये ग्रे है, और यहाँ पर ग्रे, यहाँ पर जहाँ वहाँ ग्रे यूज़ हुआ है, यहाँ पर वहाँ सिल्वर यूज़ हुआ है। बाकी आपको इसकी रेंज बढ़ जाती है, इसकी रेंज आ जाती है 126 किलोमीटर फुल चार्ज होने के बाद, और उसकी रेंज आती है आपकी अर्बन वाले की 113 किलोमीटर। चार्जिंग टाइम इसका थोड़ा ज़्यादा है, 4 घंटे 50 मिनट, और इसका चार्जिंग टाइम है 4 घंटे 30 मिनट। पावर वगैरह दोनों में मतलब आई थिंक पावर इसकी जो है थोड़ी सी अप हो जाती है, क्योंकि मतलब अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, कंपनी ने काफ़ी चेंजेस करके भेजे हैं। और फूट मैट में इसमें चेंज देखने को मिलता है, जिस तरह से देख रहे हैं ये जो फूट मैट है ये ब्लैक कलर में है और ये थोड़ी सी ग्रेनिश कलर में देखने को मिलते हैं। दोनों ही स्कूटर में मिडिल स्टैंड देखने को नहीं मिलता, साइड स्टैंड देखने को मिलता है। ये देखो मतलब सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह दोनों ही गाड़ियों में सेम है। और एक चेंज और देखने को मिलता है, ये देख लो, ये चेतक के जो आपका अलॉय व्हील है उसके ऊपर आपका ये आपका स्टिकर चेतक का लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, पर अर्बन मॉडल में ये स्टिकर देखने को नहीं मिलता है। ये देखिए, ये चीज़ देखने को मिल जाता है। और बाकी टायर साइज मैं आपको फटाफट बताता हूँ, 90x90 12 इंची का आगे और पीछे का टायर सेटअप देखने को मिलता है, ट्यूबलेस टायर है, अलॉय व्हील के साथ देखने को मिलते हैं। अलॉय व्हील का जो पैटर्न है टर्बाइन के लुक में देखने को मिल जाता है। और इसका जो बॉडी है ये पीछे वाला, ये पूरी तरह से मेटल है, ये देखो मेटल फाइबर, मतलब मोस्टली ये स्कूटर मेटल का बना हुआ है। और बजाज चेतक तो आप जानते हो, अपने पापा से पूछ लेना, अपने दादा से पूछ लेना कि भैया ये बजाज चेतक क्या था। भैया किसी ज़माने में भाई साहब ये मतलब लोगों की सवारी हुआ करता था, जिसके यहाँ बजाज चेतक स्कूटर होता था ना, लोग कहते थे क्या यार अच्छा आपके यहाँ स्कूटर है। तो उसी को
कंपनी ने अब इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और अब ये पहले जो निकाला था स्टार्टिंग में, ये प्रीमियम एडिशन निकाला था, लेकिन उसको अपडेट करने के बाद अर्बन कर दिया, फिर प्रीमियम को अपडेट करके कंपनी ने भेजा है। तो दोस्तों ये सारे चेंजेस हैं इस स्कूटर्स के बारे में, और बस चेंजेस बता दिए, प्राइसिंग बता दी। अगर आपको कोई डाउट है और कोई ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शोरूम का एड्रेस और फ़ोन नंबर मैंने मेंशन कर दिया, तो जाओ। और यार प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को हैंडल को फॉलो भी कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी मैं मतलब ये गाड़ियों से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।